تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. पढ़ा करें। बहरहाल आपको ये बीमारी है उसका इलाज यही है कि लाहौल पढ़ें, अल्लाह बीमारी दूर कर देंगे। फजर की अजान के बाद सुन्नत और फर्ज से पहले दो रकात पढ़ से दो रकात सुन्नत ही पढ़ेंगे और कोई नफिल नहीं पढ़ेंगे। मेरी वालदा को यरकान है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। अगर किसी आदमी ने किसी दूसरे से बच्चा दे के पाला है, जब बालिग हो जाएगा बिल्कुल पर्दा होगा क्योंकि वो अजनबी है। मेरी बीवी अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, अल्लाह उसको हिदायत दे। जो औरत शौहर की इज्जत न करे या अगर वो बुलाए और न जाए तो अल्लाह के फरिश्ते लानत भेजते हैं उस पर। लड़कियों के बाल काटना ही ना जायज है तो बेचना तो बिल्कुल ना हराम है। सफा मरवा में बाल काटे तो अच्छी बात है, लेकिन होटल में आके भी काट सकते हैं। माँ अपने हिस्से के पैसे से बेटे और बेटी को बराबर के पैसे दे सकती है जिंदगी में, लेकिन बेहतर ये होता है कि दोनों को बराबर दे। मैंने तीन शादियां की हैं, तीनों नाकाम हो गई हैं, तो अब अगर करो तो पहले इस्तखारा करो, खैर हो तो करना, अगर खैर ना हो तो न करना। मेरे बेटे का हादसा हुआ है, दिमाग में चोट लगी, 5 दिन से बेहोश है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। दुआ के बाद हाथ जो है मुंह पे फेरना तफाउल है कि अल्लाह की रहमत आ गई जो हम अपने मुंह पे फेर रहे हैं। अगर किसी के घर मैयत के अफसोस के लिए जाएं तो कहें अज़्ज़ब अल्लाह अजरकुम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह उसकी मगफरत करे, दर्जात बुलंद करे, तुम लोगों को सब्र दे, ये दुआ करें। अगर किसी को जनाजे की दुआ नहीं आती, जो दुआ आती है जितनी आती है वही पढ़ता रहे बार बार, 2 या 3 तवाब इकट्ठे करके बाद में 2-2 रकात पढ़ें जायज है। मक्के में होटल के कमरे में किबले की समत की निशानदही नहीं थी, हमने इशा की नमाज पढ़ ली, सुबह पता चला कि हमने उल्टी गलत नमाज पढ़ ली, उठा दें किसी होटल वाले से पूछ लेते, वो आपको बता देता ये कौन सा मुश्किल मसला था जो हल नहीं हो सका, कोई जंगल में तो नहीं थे ना आप। छोटे बड़े उम्र से क्या, जो करीब है वो छोटा है, जो दूर है बड़ा है। अगर तवाफ़ उमरा है तो हजरत अस्वद को चूम सकते हैं, वो तो इसलिए उलमा मना करते हैं कि खुशबू लगी हुई ना हो, कहीं तुम्हें खुशबू लग जाए। बिल्कुल आपका भाई शिया हो गया है, ताल्लुक नहीं, लेकिन बात तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जन्नत से जो जानवर दुनिया में आए हैं उनकी कितनी तादाद है मुझे पता नहीं, ना मैंने देखे हैं। अगर 7.5 तोले सोना हो या 52 तोले चांदी की कीमत बन जाए तो ज़कात वाजिब है। औरत नमाज में मर्दों की तरह रकू करे तो वो भी जायज़ है, अफजल ये है कि उसके बदन जो है ज़मीन से लगे। मुझे डिप्रेशन और खौफ की बीमारी है तो ज़्यादा से ज़्यादा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा।